सवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड़ के श्रीराम के वक्तव्य पर नागपुर शहर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। शिरडी में शरद पवार गुट का सम्मेलन चल रहा है। इसी सम्मेलन में संबोधित करते हुए विधायक जितेंद्र आव्हाड़ ने श्रीराम पर वक्तव्य किया। इस वक्तव्य का गुरुवार को समूचे महाराष्ट्र में विरोध किया जा रहा है। नागपुर शहर में भी शहर के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर जितेंद्र आव्हाड़ के वक्तव्य का विरोध किया गया। इस समय आव्हाड़ के विरुद्ध में नारेबाजी की गई, साथ ही पुतला भी जलाया गया। देखिए, उन्होंने जो वक्तव्य किया प्रभु रामचंद्र के बारे में, उसके लिए सारा हिंदू समाज और भारतीय जनता पार्टी के सारे हमारे जो कार्यकर्ता है उनका कहीं ना कहीं मन दुखा है। उनका निषेध करने के लिए हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। अगर उन्हें माफ़ी मांगनी ही थी तो उन्होंने प्रभु रामचंद्र की माफ़ी मांगनी चाहिए, संपूर्ण हिंदू समाज की माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन लगातार इस प्रकार के वक्तव्य करना ये इनकी फितरत है और केवल मात्र किसी समाज को आकर्षित करने के लिए, अपनी वोट बैंक की राजनीति करने के लिए ऐसे वक्तव्य करना और बाद में अभी कहीं ना कहीं हमें दूसरों को भी प्रभावित करना, इसलिए फिर माफ़ी मांगना, ये उनकी पुरानी आदत है और इसीलिए हम उनका निश्चित रूप से यहाँ एकत्रित होकर निषेध व्यक्त करते हैं। और मुझे लगता है हम उनके खिलाफ तो FIR भी करना चाहिए, क्योंकि ऐसे वक्तव्य बार बार करना ये एक सामान्य हिंदू बांधव का या हिंदू नागरिक का भी ऐसा काम नहीं हो सकता। देखिए, 500 साल के अथक प्रयासों के बाद में एक आनंद का वातावरण सारे हिंदू बांधवों में है कि प्रभु रामचंद्र का मंदिर हो रहा है और वहाँ उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, और उस वातावरण को कहीं ना कहीं दूषित करने का काम ऐसे जितेंद्र आव्हाड़ के जैसे लोग करना चाह रहे हैं। और वही एक उन्होंने खुद आज वो प्रमाण दे दिया कि हम तो समझते थे कि वो आस्तिक है, लेकिन उन्होंने जो प्रमाण दिया है और वो भी शरद पवार जी के सामने, शरद पवार जी नास्तिक है हमें तो पता ही था, और इसीलिए हम दोनों का इस मंच से विरोध करते हैं। आंदोलन के बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्थानीय कोतवाली पुलिस थाना में विधायक जितेंद्र आव्हाड़ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।